खबर उमरिया जिले से है, जहां पर पाली नगर स्थित विश्व विख्यात माता बिरासनी मंदिर में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने माता बिरासनी को जल चढ़ाकर दर्शन किए। मंदिर के अध्यक्ष एवं जिले के कलेक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने सप्तिक माता बिरासनी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर घट स्थापना की। मंदिर में सुबह से ही स्थानीय श्रद्धालुओं सहित प्रदेश के कोने कोने से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। माता बिरासनी के मंदिर में लोग अपनी अपनी मन्नत को लेकर आते हैं और खुशी खुशी अपनी माता के दर्शन पाकर घर जाते हैं। उमरिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। उमरिया से है, जहां पर बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के शक्ति केंद्र धनवार के अंतर्गत बूथ क्रमांक 193, 202, 232, 233 ग्राम धनवार में बूथ सशक्तिकरण अभियान 2 के तहत बूथ समिति बैठक ली गई, जिसमें बैठक में जिला के प्रभारी विनोद यादव, उमरिया जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, करकेडी मंडल के प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष राकेश द्विवेदी आदि कई लोग मौजूद रहे। उमरिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया। खबर उमरिया से है, जहां पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को, जो कि भारतीय स्टेट बैंक के बगल में लगी हुई है, विगत कुछ महीने पहले किसी कारणवश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चश्मा टूट गया था, जिसको लेकर लगातार सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों द्वारा प्रशासन से मांग किया जा रहा था कि अम्बेडकर जी की चश्मा टूट गया है तो दूसरा चश्मा जल्द से जल्द पहनाया जाए। किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका, जिसे लेकर पत्रकार एवं समाजसेवी अनुज सेन, पत्रकार हेमंत वर्मा आज अपनी इच्छा से तथा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के आदेशों से प्रेरित महापुरुषों के बलिदानों को याद कर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चश्मा बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उमरिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।